पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? अल्लू अर्जुन के फैंस को पुष्पा के मेकर्स ने तगड़ा सरप्राइज दिया है। अल्लू अर्जुन का 8 अप्रैल को बर्थडे है और उससे ठीक एक दिन पहले ही मेकर्स ने पुष्पा 2 का ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिससे देख एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। गोलियां लगी है, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। मेकर्स ने पुष्पा 2 की कहानी और उनके रोमांच भरे ट्विस्ट की शानदार झलक पेश की है। फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। टीजर में दिखाया गया है कि पुष्पा तिरुपति जेल से भाग चुका है और उसे 8 गोलियां लगी हैं। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। किसी को भी नहीं पता कि पुष्पा जिंदा है या फिर मर गया है। जंगल से सिर्फ कपड़े मिलते हैं। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। एक महीने तक कुछ अता पता नहीं चलता और इस बीच दंगे भड़क जाते हैं। लोग इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि आखिर पुष्पा है कहाँ, कहीं पुलिस पुष्पा की लाश को छुपा तो नहीं रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर नजर आ रहे हैं। तभी टीवी चैनल पर खबर दिखाई जाती है कि जंगल में एक आदमी को देखा गया है। चादर लपेटे हुए शख्स उन कैमरों में कैद होता है जिनमें शेरों को मॉनिटर किया जाता है। कैमरे में नजर आता है कि दहाड़ता हुआ शेर पीछे हट जाता है और सामने एक आदमी चलता हुआ नजर आता है जो असल में पुष्पा है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना एक बार फिर से नजर आएंगी। सुकुमार इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि मेकर्स ने पुष्पा 2 की शूटिंग रोक दी है और कुछ दिन शूट भी किया गया है, उसे डिलीट करने का फैसला हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से धमाकेदार टीजर आया है, फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब रोल पुष्पा का। ऐसे ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।